नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें जहां पर विज्ञान एग्जाम में आती है, जैसे रेलवे, SSC, पुलिस या फिर स्टेट लेवल पर कोई भी एग्जाम, यानी जिस एग्जाम में साइंस आती है ना, कोई भी एग्जाम हो जहाँ साइंस आती है, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ें ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। चलिएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन पर मीटर, यानी सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान, तो ये होता है 6 × 10^24 किलोग्राम, 6 × 10^24 किलोग्राम, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो सी 12 है, कार्बन 12 है, याद रखना ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुहासा क्या है? तो याद रखे कुहासा विषमांगी मिश्रण होता है, तो बी रहेगा राइट आंसर। कुहासा क्या है? कुहासा एक विषमांगी मिश्रण है, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं फ्रेंड्स किसी परमाणु के गुण? तो याद रखिएगा किस पर करते हैं निर्भर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं, यानी डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, तो डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कैथोड किरणें बनी होती हैं, किससे बनी होती हैं कैथोड किरणें? तो याद रखिएगा कैथोड किरणें बनी होती हैं किससे? इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं कैथोड किरणें, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, नेक्स्ट, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो ये किया था हाइजेनबर्ग ने, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हाइजेनबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन यानी बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो फ्रेंड्स 75% होता है, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत, यानी डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 75%। नेक्स्ट है, फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स P4 है फास्फोरस का अणुसूत्र, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, P4। ओके, नेक्स्ट, सोने का लैटिन नाम क्या है? तो याद रखना ओरम है सोना का लैटिन नाम, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ओरम याद रखना। नेक्स्ट है, सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोना का, तो यह है AU, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। मोस्ट वीवाई क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल की जो प्रकृति है फ्रेंड्स कैसी होती है? तो याद रखना शुद्ध जल की प्रकृति होती है उदासीन। कैसी होती है? उदासीन होती है शुद्ध जल की प्रकृति, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट है, रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है रासायनिक पदार्थों का सम्राट, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल को बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्षारीय विलयन का pH कितना होता है? तो फ्रेंड्स याद रखना 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का pH, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 7 से अधिक। नेक्स्ट, सिरके में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है सिरके में, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इनमें से एक स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? तो यह एस्ट्रोजन, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, एस्ट्रोजन।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? अश्रु स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये लैक्रिमल ग्रंथि है जो अश्रु स्रावित करती है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है वृद्धावस्था में? तो ये थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, थाइमस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? कौन सी कर सकती है? तो ये प्रावटु ग्रंथि कर सकती है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन, टोबैको मोजेक वायरस। तो टीएमवी का शब्द किससे? वायरस से है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वायरस। नेक्स्ट देखिए, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। देखिए, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, ये 46 होती है, 46 होती है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वायरस की खोज किसने की थी? किसने की थी वायरस की खोज? तो फ्रेंड्स, ये की थी इवानोवस्की ने। किसने? इवानोवस्की ने की थी, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, इवानोवस्की। नेक्स्ट है, चाय के लाल कीट का कारण क्या है? चाय के लाल कीट का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, हरा शैवाल है चाय के लाल कीट का कारण, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, हरा शैवाल सी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में भरी जाती है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखना, इनमें से नाइट्रोजन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? वनस्पति घी इनमें से किससे बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये हाइड्रोजन से बनाया जाता है, यानी बी रहेगा राइट आंसर, हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? तो फ्रेंड्स, ये अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण से होता है, यानी बी रहेगा राइट आंसर, अल्ट्रावायलेट किरणें। ठीक है, नेक्स्ट है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कौन सी गैस प्रयोग की जाती है सोडा वाटर बनाने के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है सोडा वाटर बनाने के लिए, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? इनमें से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इथेन उपयोग में लाया जाता है, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन है, याद रखना। ठीक है ना, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन है? नाइट्रोजन है, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? किसका प्रयोग करके? कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है पानी की अस्थायी कठोरता को, CaCl2 का, कैल्शियम क्लोराइड, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो याद रखना आप लोग, न्यूलैंड ने किया था तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, न्यूलैंड, बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो, कौन सा है बताना? वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान है, वर्तमान हो, कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये अणु है, यानी बी होगा राइट आंसर, अणु। ठीक है, नेक्स्ट, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है किसी तत्व के गुणों को? तो ये करता है परमाणु क्रमांक। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन करता है परमाणु क्रमांक करता है? ए रहेगा राइट आंसर, परमाणु क्रमांक, याद रखना। नेक्स्ट है, हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? बहुत बार क्वेश्चन आता है हेलोजन जो तत्व है ना, इनमें से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछते ही हैं, हेलोजन तत्व कौन सी हैं, इनमें से हेलोजन तत्व कौन सा है, इनमें से हेलोजन तत्व कौन सा नहीं है, ऐसे करके एक क्वेश्चन तो लगभग एग्जाम में आता है। देखिए, हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो ये फ्लोरीन है, तो सी रहेगा राइट आंसर, फ्लोरीन। नेक्स्ट है,
सवर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है, किस पदार्थ में घुल जाता है सवर्ण, तो फ्रेंड्स एक्वारेजिया में घुल जाता है, किस में एक्वारेजिया में घुल जाता है सवर्ण, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर एक्वारेजिया। नेक्स्ट है सिनेबार किसका खनिज है, किसका खनिज है सिनेबार, तो याद रखिएगा पारा का खनिज है सिनेबार, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर पारा, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, स्ट्रॉन्शियम के कारण होता है पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग, हरा दिखाई देता है बेरियम के कारण, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है, इनमें से किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है, तो ये चांदी के लिए होती है, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन सा है, कौन सा है, NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो परम आर्द्रता कहते हैं हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर परम आर्द्रता, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था, तो फ्रेंड्स नायलोन था मानव निर्मित प्रथम रेशा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, नायलोन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है, क्या देता है 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया, तो फ्रेंड्स वायुरेट देता है, क्या देता है वायुरेट देता है, तो डी रहेगा राइट आंसर वायुरेट, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये रेडोन है, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सी है, रेडोन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, किसके द्वारा देखा गया था नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम, तो फ्रेंड्स स्ट्रासमन के द्वारा देखा गया था, तो बी रहेगा राइट आंसर स्ट्रासमन के द्वारा, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, किसमें उपस्थित नहीं है, कांसा में उपस्थित नहीं है, याद रखना बी होगा राइट आंसर कांसा, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन सा है, कौन सा है, हाइड्रोजन है, निम्न में से सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है तड़ित चालक निर्मित होते हैं, किससे निर्मित होते हैं तड़ित चालक, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स तांबा से निर्मित होती हैं तड़ित चालक, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर तांबा से, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी, कहाँ से कहाँ गुजरेगी, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी, किससे, कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, सी रहेगा राइट आंसर कांच से, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रेडियम प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है रेडियम, तो रेडियम प्राप्त होता है किससे, पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है रेडियम, किससे प्राप्त होता है, पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है रेडियम, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट हेनरी किसकी इकाई है, किसकी इकाई है फ्रेंड्स हेनरी, तो हेनरी इकाई है किसकी, प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हेनरी किसकी इकाई है, तो फ्रेंड्स सी प्रेरकत्व की है, सी रहेगा राइट आंसर प्रेरकत्व। ठीक है देखिए नेक्स्ट एक जूल कितने कैलोरी के बराबर है, एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, तो फ्रेंड्स याद रखना 0.24 कैलोरी के बराबर है एक जूल, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एक जूल कितने कैलोरी के बराबर है 0.24 कैलोरी के बराबर है, याद रखना। नेक्स्ट है पानी का अणुभार कितना होता है, कितना होता है पानी का अणुभार, तो फ्रेंड्स पानी का अणुभार होता है 18 AMU 18 है, एटॉमिक मास यूनिट होता है पानी का अणुभार, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 18 AMU 18 है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है नेक्स्ट है MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है, MKS पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में बल की इकाई क्या है,
तो न्यूटन है, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर न्यूटन। नेक्स्ट, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे, तो फ्रेंड्स प्रोटीन से होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कांच एक प्रकार का क्या है, तो कांच एक प्रकार का याद रखना अतिस्थितिज द्रव है। क्या है? अतिस्थितिज द्रव है कांच एक प्रकार का, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। कांच एक प्रकार का क्या है? अतिस्थितिज द्रव है, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी प्रत होती है? सिलिकॉन की प्रत होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर सिलिकॉन, याद रखना आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की प्रत होती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की प्रत होती है, तो फ्रेंड्स ये होती है आयरन ऑक्साइड की, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि होती का मस्तिष्क में, सिर में होती है पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर। ठीक है ना, बी रहेगा राइट आंसर सिर, याद रखना। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, जनन क्षमता में कमी आ जाती है विटामिन ए की कमी से, यानी आंसर होगा नपुंसकता, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? तो ये होता है 9.549 के बराबर होता है, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, FIR में आई अक्षर का द्योतक क्या है? FIR में आई अक्षर का द्योतक क्या है, तो बताना फटाफट, क्या है FIR में आई अक्षर का द्योतक? तो फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से जानते हैं भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर को, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, अप्सरा बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स ये पुआइज है, याद रखना, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? पुआइज है, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, पुआइज याद रखना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो फ्रेंड्स याद रखना, इनमें से कौन पूछा है अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो याद रखिएगा आप लोग, पीतल है इनमें से अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, पीतल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, विकास का प्रारंभिक बल होता है, कैसा प्राकृतिक वर्ण है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता? तो फ्रेंड्स कौन सा नहीं होता है? न्यूट्रिनो नहीं होता है, याद रखना, परमाणु में, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? न्यूट्रिनो नहीं होता है, डी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स ये फैराडे के नियम पर आधारित है। किस पर है? फैराडे के नियम पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, आइंस्टीन समीकरण ए इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर में सी किसको दर्शाता है? प्रकाश के वेग को दर्शाता है। बी होगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है?
प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो यह है पाथफाइंडर। कौन सा है? पाथफाइंडर है। तो सी रहेगा राइट आंसर, पाथफाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट है, एक पाउंड में कितना आउंस होता है? एक पाउंड में कितना आउंस होता है? तो कितना आउंस होता है? तो फ्रेंड्स 16 आउंस होता है एक पाउंड में, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, 16 आउंस याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, एक लीटर बराबर कितना गैलन होता है? एक लीटर बराबर कितना गैलन होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 0.2642 गैलन, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? द्रवों की श्यानता को मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये विस्कोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्कोमीटर कहलाता है। तो बी रहेगा राइट आंसर, विस्कोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, एक फर्मी बराबर होता है, किसके बराबर होता है एक फर्मी? तो फ्रेंड्स एक फर्मी बराबर होता है 10^-5 एंगस्ट्रम के, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। एक फर्मी किसके बराबर होता है? 10^-5 एंगस्ट्रम के बराबर होता है, बी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है, किसमें होता है किसी वस्तु का अधिकतम भार? तो फ्रेंड्स ये वायु में होता है, किसी वस्तु का अधिकतम भार, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, वायु में, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, ताप वृद्धि में प्रत्यास्थता का गुणांक क्या है? ताप वृद्धि में प्रत्यास्थता का गुणांक क्या है? तो फ्रेंड्स ये घटता है, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, घटता है। ताप वृद्धि में प्रत्यास्थता का गुणांक ए रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, लड़का पैदा होगा, लड़का पैदा होगा जब एक्स वाई गुणसूत्र हो। ठीक है ना, लड़का पैदा होगा जब एक्स वाई गुणसूत्र हो, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। लड़का पैदा होगा जब एक्स वाई गुणसूत्र हो, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो फ्रेंड्स स्टार्च के पाचन में सहायक होती है लार, यानी बी रहेगा राइट आंसर, स्टार्च बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है दूध में? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में, याद रखना ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फटाफट, सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण कैसा होता है? सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण कैसा होता है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण कैसा होता है? बहुत कम होता है। कितना? बहुत कम होता है। तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य होगा, कैसा कार्य होगा? जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो शून्य, कैसा कार्य होगा? उसके द्वारा शून्य होगा, सी रहेगा राइट आंसर, शून्य, याद रखना। नेक्स्ट है, एक मेगावाट बराबर होता है, किसके बराबर होता है एक मेगावाट? तो फ्रेंड्स 10^6 के बराबर होता है एक मेगावाट, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, 10^6। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, एक किलोवाट होता है, एक किलोवाट कितना जूल होता है? तो याद रखना एक किलोवाट में 3.10^6 जूल होते हैं, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, 3.6 × 10^6 जूल, राइट। देखिए नेक्स्ट, इनमें से किसने और कब लिफ्ट की खोज की थी? इनमें से किसने और कब लिफ्ट की खोज की थी? तो फ्रेंड्स ओटिस ने की थी। कब की थी? 1852 में की थी, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। इनमें से किसने और कब लिफ्ट की खोज की थी? ओटिस ने की थी और 1852 में की थी, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। क्या है? पलायन वेग, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, किसमें होता है प्रोटीन का संश्लेषण? तो फ्रेंड्स ये राइबोसोम में होता है, किसमें? राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, माइटोकांड्रिया का संबंध किससे है? किससे है माइटोकांड्रिया का संबंध? तो फ्रेंड्स ये श्वसन से है, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। माइटोकांड्रिया का संबंध श्वसन से है, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोशिका के
अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स ये माइटोकांड्रिया के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, माइटोकांड्रिया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका में डीएनए होता है, पादप कोशिका में डीएनए किस में होता है? तो फ्रेंड्स हरित लवक में, माइटोकांड्रिया में और केंद्रक, इन सभी में होता है डीएनए, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ये बनती दीर्घाशय में, बी रहेगा राइट आंसर दीर्घाशय, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स ये किया था स्लाइडेन और सवान ने, यानी सी रहेगा राइट आंसर, किसने किया? स्लाइडेन और सवान ने किया, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तृण पुष्प कलिकाओं में, किसमें? तृण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एटीपी का निर्माण किस में होता है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एटीपी का निर्माण किस में होता है? माइटोकांड्रिया में होता है, तो सी रहेगा राइट आंसर, माइटोकांड्रिया। नेक्स्ट है, किसके दूध में लैक्टोज शक्कर की मात्रा अधिक होती है, प्रतिशत अधिक होता है? किसमें? गाय के दूध में होता है, बकरी के दूध में होता है और स्त्री के दूध में भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग? तो ये होता है विषाणु के द्वारा, किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, ऑस्ट्रिच याद रखना। नेक्स्ट है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो फ्रेंड्स ये मैमेलिया वर्ग का प्राणी है चमगादड़, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, मैमेलिया का। ठीक है, नेक्स्ट है, एथलीट फुट बीमारी होती है, किससे होती है फ्रेंड्स? किसके कारण होती है एथलीट फुट बीमारी? तो फ्रेंड्स ये फफूंद से होती है, किससे? फफूंद से होती है एथलीट फुट बीमारी, तो बी रहेगा राइट आंसर, फफूंद से, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण किस में होता है? तो फ्रेंड्स ये माइटोकांड्रिया में होता है एटीपी का निर्माण, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, माइटोकांड्रिया। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत दिया किसने दिया कोशिका सिद्धांत? तो फ्रेंड्स स्लाइडेन और सवान ने दिया कोशिका सिद्धांत, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाएं। चलिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।